नमस्कार। दोपहर की नंबर वन डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश के रतलाम में आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उस पर सियासत तेज हो गई। दरअसल रतलाम में नवसात और उसके तीन साथियों पर आरोप है कि उन्होंने एक मंदिर में गौवंश का टुकड़ा फेंक दिया। चारों आरोपियों पर हिंसा और दंगे की साजिश करने का भी आरोप लगा है। अब पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और NSA के तहत कार्रवाई हो रही है। इस बीच प्रशासन ने मुख्य आरोपी और दूसरे आरोपित के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन के सेक्शन पर ओवैसी साहब ने सवाल उठाए। ओवैसी ने अखलाक का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाए और कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार ने 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। सवाल है, ओवैसी जैसे सियासतदानों को बुलडोजर एक्शन तो दिख रहा है, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों नहीं दिखता? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां एक नहीं बल्कि दो दो मकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। घर के सामने का हिस्सा बुलडोजर की मदद से तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर ने घर के मुख्य द्वार को भी धराशायी कर दिया। अब आप इस वीडियो को देखिए, मौके पर किस तरह बुलडोजर तबाही मचा रहा है। घर की दीवारों को जमींदोज किया जा रहा है, घर की छत को भी घिराने की कोशिश हो रही है। प्रशासन की टीम ने दो घरों को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रशासन इन घरों पर बुलडोजर क्यों चला रहा है, तो पहले इसके पीछे की कहानी को समझिए। आरोप है कि चार युवकों ने एक हिंदू मंदिर को अपवित्र कर दिया। आरोप है कि इन युवकों ने गौ मांस के टुकड़े मंदिर में फेंके, जिसके बाद हिंदू संगठन ने विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने मुख्य आरोपी नवसात समेत दो आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। चारों आरोपियों को जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था और पुलिस अभिरक्षा में लेने के उपरांत उनके द्वारा जो किया गया कृत्य तो जनमानस में इस तरह का भय कारित करना एवं दंगे भड़काने जैसे मामले को लेकर उसमें जिला प्रशासन द्वारा जो है NSA के तहत कार्रवाई की है चारों आरोपियों के विरुद्ध। और इनको जो है इसके अतिरिक्त बाकी जो प्रकरण है उनमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दंगे की साजिश करने के आरोप में आरोपियों पर एक्शन हुआ तो खुद को मुसलमानों का पैरोकार समझने वाले ओवैसी ने मामले में सियासत भी शुरू कर दी। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लिखा, 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। न जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। ना इंसाफी का सिलसिला थमता नहीं, चुनाव के नतीजे से पहले और बाद भी घर मुसलमानों के ही तोड़े जाते हैं, कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों को वोट मिलता है वो क्यों चुप है? गलती की तो उसकी सजा तो मिलेगी ही, आखिर ओवैसी जैसे सियासतदान उस पर सियासत क्यों कर रहे हैं? सवाल तो ये भी है कि ओवैसी को बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई दिख रही है, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले आरोपियों की करतूत नहीं दिख रही। क्या ओवैसी ऐसी पोस्ट कर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रिपोर्ट आप देख चुके हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ में VHP प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ में धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, दानिश कुरेशी जी AIMIM के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सैयद जव्वाद साहब हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जव्वाद साहब और दानिश कुरेशी जी, ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अब दानिश जी मैं ये जानना चाहता हूँ, आज इतना अच्छा मौका है और ऐसे वक्त पर अगर कहीं अपराधियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल होने के बाद की जा रही है, तो इसमें मुसलमान वाला एंगल डालना क्या जरूरी था? देखिए,
चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र मतलब जो सीएम बन चुके हैं, उन्होंने अगर फैसला सुना दिया है कि कोई आरोपी है और उसके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए, तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, शायद भूल गए ये लोग, कि उसमें गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चढ़ाया गया और सरकार को पैसे चुकाने का ऑर्डर दिया गया। अब मुझे ये बताइए, वो पैसा आवाम की जेब से निकला हुआ था, आप अपनी तफ्तीश के बिना या अदालत के फैसले किए बिना जो फैसला सुना देते हैं, ये कितना मुनासिब है। इससे ज्यादा एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताइए, आज बकरीद का दिन है मानशु, मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ, अब मुझे ये बता दीजिए कि आज की डेट में कम से कम पूरे अहमदाबाद शहर में अनकरीब इन 3 दिनों में जो बकरीद के वो सेलिब्रेशन होगा उसमें अनकरीब मेरा मानना है 8 से 10 हजार जो है जानवर जबा किया जाएगा। स्लॉटर हाउस जो है अहमदाबाद में एक ही है, पूरे गुजरात के 36 स्लॉटर हाउस बंद है, सिर्फ 3 ही जारी हैं। उस अहमदाबाद के स्लॉटर हाउस में मैक्सिमम 30 से ज्यादा जानवर जिबे नहीं किए जा सकते। अब मुझे ये बता दीजिए, बाकी जो हो रहा है ये कानूनन जायज हो रहा है या गैर कानूनन हो रहा है, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि पूरे प्रदेश के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि 3 दिन मुसलमान आराम से कुर्बानी कर सके। चलिए, ये आपने इसमें दो मुद्दे जोड़ दिए दानिश कुरैशी जी, ये आपने प्रशासनिक व्यवस्था का या फिर जो वहां पर आप लोगों को दिक्कत हो रही है आपने वाला मुद्दा जोड़ दिया है, लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा था उस पर मैंने कहा कि अगर कहीं जांच पड़ताल, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एसपी साहब जो जांच अधिकारी थे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उन्होंने बोला है कि जांच पड़ताल में ये पाया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, उसको मुसलमानों से जोड़ना क्या सही था, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे बस। हाँ मैं बताऊं, क्या प्रशासनिक अधिकारी जो है उन्होंने फैसला सुना दिया, वो चीफ जस्टिस है प्रदेश के, तो उन्होंने फैसला सुना दिया, पुलिस का काम है अदालत के सामने चीजें पेश करना, अदालत को जब मुनासिब, मतलब किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं पर मंदिर जैसी पवित्र जगह पर कुछ फेंका जा रहा है, अरे धार्मिक सुनिए, मेरी धार्मिक भावना बकरीद का दिन है, लीगल परमिट लेते जो जबह करने के जानवर है उनको कानून में जायज तरीके से मैं जबह कर सकता हूँ, अगर किसी की भावना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए सुनिए, क्या मेरी भावना नहीं है? जबह कीजिए, ये आपका अधिकार है, आपके धर्म आपको इजाजत देता है, लेकिन जो पहला मुद्दा मैं उठा रहा हूं, जो उन लोगों पर आरोप है कि मंदिर में उन्होंने गौवंश के टुकड़े फेंके हैं, ये क्या है, ये अधिकार दिया है, ये कोई सच्चाई नहीं है, पुलिस कह रही है जांच पड़ताल उन्होंने की है, पुलिस कह रही है जांच पड़ताल की है, अरे किसने जांच अदालत का फैसला आ गया, मतलब पुलिस, अच्छा यानी पर्सनल कोई खुन्नस पुलिस कर्मियों की आपको ऐसा लग रहा है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सबने जांच पड़ताल की, आपको पुलिस वालों का भरोसा नहीं है? नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर उसी पुलिसकर्मी में अगर कोई मुस्लिम होगा उन पर भी भरोसा नहीं होगा? देखिए बात मुस्लिम होगा या नहीं, जो कानूनन तरीके से काम करेगा वो किसी भी मजहब का होगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सरकार के इशारे पे अगर विनोद बंसल जी प्लीज, तो हम बर्दाश्त नहीं। अब आप रिस्पॉन्ड कीजिए, बोलते हैं ये सरकार प्रशासन ये सब लोग गलत काम कर रहे हैं। देखिए दो बातें मैं कह दूं इनको, एक तो जो है जो इन्होंने ईद के बारे में कहा कि भाई ईद पर जो है ना इनको अधिकार नहीं है उनको काटने का, इनको जगह नहीं मिलती काटने के लिए, इनको जगह नहीं मिलती उनको तड़पा तड़पा के मारने के लिए, ये दूसरा मुद्दा है कि मैं अपने मुद्दे पर रहना चाहता हूं विनोद बंसल जी, मैंने उनसे भी बोला लेकिन मैंने अपने मेन मुद्दे पर रहा, तो पहले वाले मेन मुद्दे पर हम रहते हैं ना कि अपराधी में मुसलमान क्यों ढूंढना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए जब मुद्दा आपके सामने उठा था तो उसको रोकना चाहिए था, मेरा एक निवेदन ये है कि देखो उसका क्लेरिफिकेशन जरूरी है, त्योहार मनाए जाते हैं हंसी खुशी के लिए, न कि किसी की हत्या करने के लिए, उसको तड़पा तड़पा के मारने के लिए। अब दूसरी बात आता हूँ, मैं दूसरी बात आता हूँ, देखिए बात यह है कि जिन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम इनको चुप करिएगा, इनको चुप करिएगा, ये बिल्कुल आ गए, ये बिल्कुल आ गए, जब सच्चाई सामने आए तो बिल्कुल आ गए। आज अच्छे से चर्चा करते हैं ना, देखिए आज आज एग्रेसिव होने का, देखिए मैं आज आप भी बकरीद मना रहे हैं, आज आप भी आप बकरीद मना रहे हैं, तो आज जरा अच्छे से बात करते हैं, उनको अपनी बात रख लीजिए। हाँ ये जो गौ तस्करों के जिनके घर पर आए हैं ना, उनमें से आप सुनिए जरा, ये पेपर रिकॉर्ड है, ये घर पर सवाल खड़े करेंगे तो मैं ही उनको रोक दूंगा। अरे जिसका, हाँ जी, मैं कुछ बोलूं क्या? प्लीज, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये मीडिया की रिपोर्ट है कि इन गौ तस्करों में जिनके घर गिराए गए हैं उनमें परवेज कुरैशी पर 18, साबिर पर 13, कल्लू पर 10 और नसीम कुरैशी पर 7 FIR हैं, और ऐसे तमाम जितने लोग हैं वो क्रिमिनलों के क्रिमिनल्स हैं,
दानिश जी, अब उनका कितना बड़ा आपराधिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी दी है, तो वहां भी आपको नहीं भरोसा हो रहा? अगर ये कुछ भी करें, चूंकि ये मुसलमान है तो पुलिस को अधिकार नहीं है इन पर कार्रवाई करने का? हिमांशु सुनिए, सुनिए हिमांशु सुनिए, देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं जो है जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अंदर खून की नदियां नहीं बह रही, इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन नहीं चलाते, अरे कोई गलत बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। विनोद बंसल जी, दानिश जी एक मिनट, विनोद बंसल जी मुद्दे पर प्लीज, सिर्फ मुद्दे पर भाग रहे हैं, हाँ बोलिए। देखिए अगर किसी को ऊपर आक्षेप करते हो तो उसका जवाब भी सुनने का, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बात यह है कि जब इतने सारे दुर्दांत अपराधी हैं और ये लगातार गौवंश करते हैं, इनके घर के और उनके फ्रिज में, फ्रिज के अंदर गौवंश मिला है, गौमांस मिला है, और ये लोग जो है जो मंदिरों का पवित्र करने की कोशिश करते हैं, जो लगातार गौहत्याएं करते हैं, गौमांस को मंदिरों में फेंकते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, क्या हो गया यार? एक मिनट दानिश भाई, क्या हो गया है आपको, क्या हो गया? आप बीच में ऐसे नहीं बोलते थे कभी, आप ऐसे बीच में कभी नहीं बोलते थे। आपके मजहब में भी, आपके मजहब, सुनिए, आपके मजहब में भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाती है कि गौवंश किसी के मंदिर, किसी के धार्मिक स्थल पर फेंक दिया जाए, ये इजाजत नहीं दी जाती है वहां पर। एक मिनट, वहां पर जांच, सुनिए ना, आप पुलिस के अधिकारियों को नहीं मान रहे, वहां पर जांच हुई है, सुनिए, वहां पर जांच हुई है, जांच होने के बाद वो गौवंश पाया गया है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा है, ये सारे सबूत मिले हैं, उन्होंने माना है इस बात को। रिपोर्ट होगा सही है जवाद भाई। अच्छा एक मिनट, बाकी के दो मेहमान उनके पास भी जल्दी से बात कर लेते हैं, बाकी के दो मेहमान उनसे भी जल्दी से बात कर लेते हैं। सही है जवाद भाई, एक मिनट फिर से आ रहा हूँ, देखिए दो और मेहमान है, आप मुझे बताइए ये बकरी है, इसका मतलब ये थोड़ी सारे सारे बकरा काटने वालों को जवाब आप, नहीं ऐसा ऐसी बात मत करिए, उनका अलग, सुनिए, नहीं पर्सनल है, विनोद जी आपके पास में आया, आपसे मैंने बात करी, कहीं पर किसी ऐसी टिप्पणी यहाँ पर बिल्कुल इजाजत नहीं, प्लीज प्लीज। मैं कहता हूँ गौहत्या करके ये चुप रहेंगे क्या? नहीं गौहत्या करके ये हम चुप रहेंगे क्या? ठीक है, ये आपसे बात करिए, एक मिनट, सबसे बात कर लीजिए, ऑडियो प्लीज। सैयद जवाद भाई मुझे बस ये जानना है कि अगर कहीं पर कुछ होता है, अपराध की बात आती है, अपराधियों की बात आती है, और अगर उसमें कोई मुसलमान होता है तो वहां पर विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? ये ओवेसी, अजदुद्दीन ओवेसी की मैं बात कर रहा हूं, AIMIM की बात कर रहा हूं, क्यों इस तरह के एक नैरेटिव पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? हिमांशु भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को जो है मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और मैं आशा करता हूं कि पूरे अपने हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया के अंदर अमन सुकून प्यार मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे। देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तदार, लोगों को नहीं काटेगा, बंसल जी एक मिनट प्लीज। हाँ यार, ये क्या वाले लोग भी थोड़े बैठ जाते हैं, किसी को बोलिए ना, करते जाओ बोलिए, एक मिनट बंसल जी प्लीज। हाँ देखिए क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तदार के अंदर आई है, अमेरिका की बड़ी प्रतिष्ठित जो है वो संगठन है इंडियन स्टेट मैं ट्रैक पे ला रहा हूँ। हिमांशु भाई थोड़ा सा नॉर्मल करवाएंगे, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, प्लीज पॉइंट पे आइए, प्लीज मुद्दे पर आइए। देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 की जो है वो रिपोर्ट है, इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट है, जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तदार में आए तब से इस देश के अंदर अकलियतों के ऊपर जो है वो हमले बढ़ गए। अरे भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, मामले हो गए, अरे बंसल बंसल, अरे तुम चुप पे बैठो भाई भाई, अरे तुम चुप पे बैठो पगले आदमी, पॉइंट पर आइए, मेरे को विक्रमादित्य जी के पास भी जाना है, शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज डिबेट खराब मत कीजिए।
मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, इस देश के अंदर अदालतें हैं, कानून व्यवस्था है, चीजें सजा देने का काम लोगों का जो है वो अदालतों का है, सरकारों का नहीं है। अगर किसी चीज पे कोई आपत्ति होती है तो उसको सजा कानून देगा, अदालत देगी, कोर्ट देगा। बोलिए, मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर लोगों का भरोसा अदालतों पर क्या नहीं रह गया है? क्या यहाँ की जुडिशनरी के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं रह गया है कि सरकार खुद कानून हाथ में लेकर के रहेगी, लोगों का घर गिरा देगी? ये तो खुद सरकार एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रही है। अच्छा, सरकार को सजा देने का हक नहीं है। अच्छा, आप बताइए, कई जगह पर ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें खास तौर पे यही हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं और यही बजरंग दल से जुड़े लोग जो हैं दंगा कराने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। ये क्या दंगा कराने की हरकत नहीं थी कि किसी किसी धार्मिक स्थल पर गोगन फेंका जाए? ये क्या था? ये वो नहीं था, ये उकसावे वाला काम नहीं था? बहुत सी जगह ऐसी रिपोर्ट, अरे बहुत सी जगह क्या, जो जगह यहाँ पर है उसके बारे में तो बोलिए। ये मतलब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये फ्रेम किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं, बाकी जगह हो। सुनिए आप, भाई हिमांशु भाई, अगर जव्वाद भाई ने 100 बात की एक बात मेरे को बताइएगा प्लीज। जव्वाद भाई सुनिए ना, 100 बात की एक बात बताइएगा, कहीं पर अगर किसी तरह का अपराध होता है, अगर वहां पर जिस पर अपराध हो रहा है वो मुसलमान है तो आपके लिए वो ठीक है, जायज है, लेकिन अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है, अगर वो करने वाला मुसलमान है तो वहां पर आप कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा क्यों? ये नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी समुदाय का हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा देने का काम मेरे हिमांशु भाई, मेरे देश के नागरिक। अब विक्रमादित्य आचार्य जी, थोड़ा वक्त लगा आपके पास आने में आचार्य विक्रमादित्य जी, लेकिन आपने सुना, तीनों लोगों को आपने सुना। अब मैं चाहता हूं आप अपनी बात रखिए, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं जो अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया और एक ही मुद्दा उठाया गया कि मुसलमानों के ही घर तोड़े जाते हैं, मुसलमानों के ही घर तोड़े जाते हैं, वो ये कह रहे हैं। देखो, जो अपराधी है, मैं कहूंगा साफ साफ तौर पर, जितने भी हिमायती बन के बैठे हैं, आज तो नवाब बन के स्वयं उपस्थित है हमारे साथ यहाँ पर, कुरैशी जी नवाब बन के पूरे नवाब की शाही साठ के अंदर यहाँ उपस्थित है। ये लोग कानून को कितना मानते हैं, मुझे बताइए, कानून 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 की बात। बाबरी मस्जिद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अयोध्या पर निर्णय आया, उसके बाद इन्हीं के पार्टी के सर्वोच्च जो नेता है उन्होंने क्या कहा, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, कहा नहीं कहा। और आज इस देश में जघन्य अपराध जो किया जा रहा है, गौ हत्या, जघन्य अपराध, एमपी के अंदर तो स्पेशल कानून भी है उसके ऊपर, और जो लोग वहां पकड़े गए वो कोई एक व्यक्ति नहीं, और चारों व्यक्ति उनके ऊपर सजा आपका मुजरिम है, और उनके ऊपर 18-18, 20-20 मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं और पुलिस ने उनको पकड़ा है, इन मानने वाले नहीं। पहलू खान इससे पहले जयपुर में पकड़ा गया, मुझे बताइए, लगातार मेरे पास लिस्ट है जो जो लोग पकड़े गए। रिजवान जहां 2016 में पकड़ा जाता है गौ तस्कर के रूप में, अलवर में शाहिद खान पकड़ा जाता है, जेके के अंदर वहां पर अहमद मलिक पकड़े जाते हैं, ये सारे के सारे गौ तस्कर हैं। और समस्या ये है कि ये घटना लगातार क्यों घट रही है, ये लगातार घटना इसलिए घट रही है क्योंकि इनके मदरसों में इनके मौलवी लगातार पढ़ाते ही है। ये बात जब तक ये पढ़ाते रहेंगे कि जन्नत की भूर, जन्नत के सपने, जन्नत की जो लगातार जो बात दिखाते रहेंगे, उसके कारण से ये घटनाएं घटती रहेंगी, रुकने वाली है नहीं, लगातार रुकेंगी नहीं। जब तक इनके मौलवी इनका ब्रेन वॉश करते रहेंगे, इनका ब्रेन वॉश लगातार तैर में किया जा रहा है, और यहाँ नवाब साहब जो बैठे हैं नवाब के चूल्हा उड़कर, नवाब सलाउद्दौला का चौड़ा चूल्हा उड़ के, या आज के दिन यहाँ पर किसी के पहनावे पर क्यों नहीं, पहनावे पर आप किसी के नहीं बोल सकते, आप किसी के पहनावे पर नहीं बोल सकते। दानिश जी, उसके चक्कर में अंदर ऑडियो प्लीज थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हाँ प्लीज दानिश जी बोलिए। उनकी परेशानी क्या है कि जो इनके बड़े बोले जो नेता हैं कि अब से पहले जो यहाँ सच तक प्रसिद्ध था उसको भी भूल गए हैं, ये भूल गए हैं कि सत्ताएं आती हैं चली जाती हैं। दानिश भाई नवाब साहब हैं तो नवाब ही रहेंगे, और आपके आपकी मजबूरी से या आपकी जेर दौलत की बदौलत दानिश भाई नवाब नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। हालांकि मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मुद्दे की बात करते हैं, मैं आपको बताऊँ, देश में आजादी के पहले 3600 प्लॉट राउंड कानूनन जायज थे, जिसमें से 50% आज की डेट में बंद है। आज ईद उल अजहा का मौका है, पूरे देश के अंदर में तमाम मुसलमान आबादी जो है वो प्लॉटिंग हाउस प्लॉट करवाती है, जो कानूनी जायज भी है। मुझे ये बता दिए
कितनी जगह पे उत्तर प्रदेश में कितनी जगह राजस्थान में। फिर आप ये वाला मुद्दा कह रहे हैं, मैं अपने वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं वापस उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अपराधियों में आपको मुसलमान कैसे दिख जाता है? क्योंकि इन चीजों के लिए आपको जाना वहीं पड़ेगा, हिमांशी क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक स्लॉटर हाउस स्टैब्लिश नहीं होंगे जहां पर कानूनी जायज तरीके से जानवर विवेक कर सके, ये इलीगल मसाला मामला है, इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व है, ये रंगदारी वसूलने वाले, ये बेचने वाले, खरीदने वाले, और इसके अंदर में बहुत सारे मतलब आपको नहीं। अच्छा मैं फिर से देखिए, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही। मैं देखिए, मैं मुद्दे पे वापस वही आ रहा हूँ कि अपराधियों में आपको मुसलमान कैसे दिख जाता है, मुसलमानों के साथ अगर कुछ होता है और वहां पर अगर उस क्राइम में कहीं पर हिंदू होता है तो आप वहां पर मुद्दा उठा देते हैं, लेकिन बाकी आपको कुछ नजर नहीं आता है। इस मुद्दे पर बोलिए ना खुलकर कि एक तरफा आपको दिखता है। देखिए ये दोनों बैठे हैं, इससे पूछ लीजिए, नहीं बोलेंगे बुलडोजर चला भाजपा के किसी नेता के घर बुलडोजर चला, जिन लोगों ने सुनिए जिन लोगों ने बॉन्ड वसूल किए गवर्नमेंट कंपनियों के, क्या उनके घर बुलडोजर चलेगा? फिर वही बात। एक मिनट, जब अकबर नगर की बात हो रही थी, जब वहां की बात हो रही थी, लखनऊ में जो कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, कई घरों को वहां पर तोड़ा गया, आप लोगों ने, आपसे ही मेरी चर्चा हो रही थी, दो दिन ओवैसी ने उस वक्त भी मुद्दा उठाया कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, क्या वहां पर हिंदुओं के घर नहीं तोड़े गए जो अवैध था वहां पर तोड़ा गया ना? लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों को सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है, सिर्फ मुसलमान सुनाई देता है, सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है, सिर्फ मुसलमान सुनाई देता है। और बाकी का 400 विनोद बंसल जी चूंकि आप लोग जिस तरह से जुड़े हुए हैं, अगर आप बहुत तेज तेज बोलेंगे तो आपकी आवाज थोड़ी सी कट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उससे वो दर्शकों तक आवाज क्लियर पहुंच नहीं पाती है, आपकी आवाज दर्शकों तक क्लियर पहुंच नहीं पाती, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आराम से अपनी बात रखें ताकि स्पष्ट आवाज आपकी दर्शकों तक आए। प्लीज बंसल जी। मानसू जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए कि जो हिंसक वृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये मुसलमान बनाकर बता करके आखिरकार किसका भला करना चाहते हैं? क्या कम्युनिटी का भला करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण देश के मुसलमानों को ये अपराधी साबित करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, आखिरकार जिन जिन अपराधियों के घर टूटे हैं, जो जिन गौहत्यारों को जो देश विरोधी काम करने वाले लोग हैं, उनके तो उनके अगर कोई घर टूटते हैं, उनको कोई आपराधिक कार्रवाई की जाती है तो ताली बजाना चाहिए, इनकी कम्युनिटी को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, उल्टे उन अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, अपराधियों को बचाना क्या कम्युनिटी को बचाना है? क्या अपराधी तंत्र को बचाना है? क्या कम्युनिटी को बचाना है? क्या लेकिन आप देखिए कि बकरीद के दिन भी ये बार बार स्लॉटर हाउस खोलने की बात कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास हमारे कत्लखाने कम है, अभी कत्लखाना भी निर्माण। एक मिनट सुनिए ना, आपने मध्य प्रदेश की सरकार को झूठा कह दिया दानिश जी, आपने मध्य प्रदेश की पुलिस को आपने झूठा कह दिया, मुझे ये बताइए आप कैसे, नहीं आपकी नजर में सच की अहमियत क्या है, आप सच कैसे मानते हैं? हमारी नजर में, सुनिए, मेरी नजर में सच की अहमियत अदालत का फैसला है, और अदालत का काम है, वो सरकार का काम नहीं है। और सरकार अगर इस तरीके से किसी के लिए बताइएगा, अब मेरे को एक बात बताइएगा सैयद जव्वाद भाई, बहुत मैं आप ये मानिए कि दिल की गहराइयों से सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये जो आज एक ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया पर ओवैसी साहब की तरफ से, जिस पर आज चर्चा हो रही है, ये जो आप देख रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है और मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है और मुसलमानों के घर पर ही 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, ये मुसलमानों को पूरी तरह से, ये जो ओवैसी साहब ने ट्वीट किया, मैं बस इतना जानना चाहता हूं, अगर इस मुद्दे की जगह वो ये ट्वीट करते कि जांच होनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ किया गया है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं देखिए, उनका पक्ष रखने के लिए उनके पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं, तो ये मानते हैं गलत है, ये तरीका गलत है, अब वो पार्टी के लोग जाने, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि एक तरफा विश्वास करना ये गलत नहीं है?
देखिए जब से मैं फिर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलने दीजिए सैयद जवाब को, बोलिए बोलिए सैयद जवाब साहब आप बोलिए। मैं एक आंकड़ा रख दे रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ वहाँ कितने केसेस हुए इस तरीके के। महाराष्ट्र के अंदर 118 केसेस हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 104 है, मध्य प्रदेश में 65 थे, राजस्थान में जो है 64 थे, हरियाणा के अंदर 48, उत्तराखंड के अंदर 41, कर्नाटक के अंदर 40, पालघर वाला भी मामला है क्या, महाराष्ट्र के पालघर वाला और बिहार के अंदर इसमें महाराष्ट्र के पालघर वाला भी मामला है क्या, जो स्क्रिप्टेड है, हेटिज्म से जुड़े ये सारे स्क्रिप्टेड है आपकी नजर में, ये सारे स्क्रिप्टेड है। महाराष्ट्र के पालघर वाला आपके पास मुद्दा है? अरे भाई सुनिए सुनिए, पश्चिम बंगाल में जो साधुओं की पिटाई कर दी गई क्या वो वाला आपके पास ये भी उस आंकड़े में शामिल है? हिमांशु भाई ये मेरा नहीं, अमेरिका के एक, अरे अमेरिका मैं आप अमेरिका की बात करते हैं, मुझे ये बताइए एक तरफा बात क्यों, मुझे इस बात से दिक्कत है कि आप लोग एक तरफा बात क्यों करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से इक्तदार में आई है तब से एक तरफा कार्रवाई की नजीर सामने मैंने रखी है। अच्छा तो आप लोग भी एक तरफा बात आप भी वही करते हैं, आप दूसरे धरने पर चल रहे हैं। दारी जी मुझे बस ये बताइए, अगर इस ट्वीट में अगर ये होता तो क्या गलत, नहीं 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 क्या इस ट्वीट में ये होता तो और ज्यादा बेहतर नहीं होता कि जांच हो और कार्रवाई हो अगर गलत पाए जाते हैं तो? आपने तो एकदम क्लीन चिट दे दी, आपने कहा झूठा इल्जाम लगाया गया, ये क्या था? सुनिए आप भी जज नहीं है, देखिए सुनिए, कानून की नजर से अगर हम बात करेंगे तो जब तक कोई भी आरोपी वो कन्विक्ट नहीं होता तब तक उसको आरोपी इसीलिए कहा जाता है समझे, जब तक वो कन्विक्शन नहीं है तो ये कन्विक्शन का फैसला देना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का प्रति सत्ता है या उस प्रशासनिक अधिकारी की सत्ता है, उनका काम था, सुनिए उनका काम ये था कि अदालत के सामने जो मामला था वो पेश करते, सरकार भी उसमें मामला दिखाती और प्रशासन भी पूरा दिखाता, लेकिन आप उससे पहले चीफ जस्टिस बन जाते हैं, ये सत्ता किसको दी? एक मिनट चीफ जस्टिस, एक मिनट आपने कहा चीफ जस्टिस, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं, वो चीफ जस्टिस नहीं बन रहे, एक बार फिर से आप सुनिए उनका ट्वीट क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया, तो ये चीफ जस्टिस नहीं बने वो? हाँ मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के ये देखिए पढ़िए पढ़िए लिखा है झूठा इल्जाम लगाकर, ये वो चीफ जस्टिस नहीं बने, उनको किसने अधिकार दे दिया भड़काने का, उनको किसने अधिकार दिया? एक बार फिर से मैं वो बात करता हूँ, मुझे ये बताइए चार दिन पहले या शायद दो दिन पहले हैदराबाद में मोहम्मद सलीम सैयद की हत्या की गई, मारने वाला भी मुसलमान था, वो मुद्दा आप लोगों ने नहीं उठाया, उसके बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया? नहीं करेंगे। एक बार देखिए दानिश जी आपका ऑडियो, मारने वाला जिहादी, दानिश जी एक बार ऑडियो देखिए बताइए, वो मुसलमान खुले आप चाकू लहरा रहे हैं उस पर आपने नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूँ एक तरफा बात क्यों, आप दोनों को देखिए, अपराधियों को अपराधी की नजर से देखिए, उसमें हिंदू मुसलमान मत देखिए। आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ हिमांशु भाई, पूरी मजलिस उसके अंदर में एक्टिव हुई और उन तमाम लोगों को, मैं ओवैसी साहब का ट्वीट देख रहा था, मैं एक जगह नहीं जैसे मुद्दे ओवैसी साहब उठाते हैं ट्वीट पर उठाते हैं, मैंने पूरा छान मारा, एक भी आप बता दीजिए उससे जुड़ा हुआ ट्वीट, मैं आपको बताऊं, अगर आप अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मत करिए। आचार्य विक्रमादित्य जी मुझे ये बताइए कि ये सिलसिला कब बंद होगा, जब अपराधियों में हिंदू मुसलमान देखना बंद होगा, क्योंकि अभी तक तो एक तरफा राजनीति होती है, एक तरफा बात होती है और ये खुलकर कहा जाता है, आज तक एक ट्वीट सोशल मीडिया पर एक आवाज नहीं उठाई गई है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की बात की जाती है, और इसी से क्या शायद एक बड़ा वर्ग है जो बहक जाता है? देखिए जिनकी पार्टी का नाम ही इस्लाम के ऊपर है वो कैसे इस राजनीति को बंद कर देंगे, ये तो आप बड़ा अजीब बोल रहे हैं कि जब तक ये रहेंगे तब तक ये राजनीति चलनी है, इनकी कभी बंद नहीं कर सकते, इन्होंने केवल देश की बात होनी है और हिमायत करनी है, जिस प्रकार हिमायत करते रहेंगे लेकिन अपने गिरेबान में कभी नहीं देखेंगे, कहां नियम पालन किया मुझे बताइए। अभी यहाँ पर जवाब बैठे हुए बोल रहे थे कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही है, मैं लिस्ट दूं आपको कितने हिंदू मारे गए हैं, चंदन
गुप्ता से लेकर लगातार एक के बाद एक घटना, 2018 की घटना चंदन उसकी है, चंदन गुप्ता की है, 19 की घटना है जिसके अंदर प्रशांत पुजारी की घटना है, कन्हैया लाल की घटना है, रफीक खान ने एक हिंदू की हत्या कर दी 2019 के अंदर, 27 साल के हिंदू लड़के के किशन भारद्वाज नाम की किलिंग कर दी गई इस्लामिक जिहादी ने 2022 के अंदर, लिस्ट दे देता हूं आपको पूरी उठाकर, वहां पर आपकी जवान चुप हो जाती है। मुझे बताइए लगातार हर इलाके में दिल्ली के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार वहां हत्याएं की जा रही है, जिहाद के नाम पे बरकरम कर दिया जा रहा है। बोलिए बोलिए, आइए जब्बाद भाई आइए। हाँ बोलिए, काम कर रहा है जवाब दे कि सजा देने का काम अदालत का है या सरकार का है। नहीं आचार्य जी सुनिए ना, आचार्य जी सुनिए, आचार्य विक्रमादित्य जी सुनिए ना, कुछ कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। हाँ नहीं तो ठीक, आप जो आंकड़े लेकर के आ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं उससे हम नाइंसाफी अपनी जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन उसका काम जो है सजा देने का काम अदालत का है। हाँ। तो बंद करवा दीजिए, पहले ना खोल दीजिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जांच पड़ताल अगर होती है, सुनिए ना, जांच पड़ताल होती है तो उस पर भी तो भरोसा नहीं होता है ना। एक मिनट, मेरे को एक बात बताइए प्लीज। नहीं सैयद जब्बाद जी एक बात बताइए अभी, अरे सुनिए ना एक मिनट सुनिए। जब दानिश कुरैशी जी से बात हुई, दानिश कुरैशी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है, मध्य प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। अब वही सारी चीज पुलिस जो जांच पड़ताल करती है, वही सारी चीज कोर्ट में जाएगी। अगर कोर्ट की तरफ से कहीं पर कोई फैसला आता है, कहीं पर मैं किसी भी मामले की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर कोर्ट पर ही भरोसा नहीं किया जाएगा, तो किस पर भरोसा किया जाएगा ये बताइए। देखिए, हम इस देश के आयन पे कानून पर भरोसा करते हैं, नंबर एक बात खुल करके सुन लीजिए। हाँ। और इस देश का मुसलमान 99% जो है वो देशभक्त है, लेकिन हैरत की बात ये होती है मानसू भाई, जब बड़े बड़े ओहदों पे जो संविधान की शपथ लेकर के बैठते हैं और वही लोग संविधान की धज्जियां बिखेर देते हैं, इस पर को साक्षी मान करके संविधान की शपथ लेकर के संविधान को तार तार करते हैं, तो आप उनपे यकीन कर लेंगे नेताओं पर? अच्छा, आप करते हैं नेताओं पर यकीन, भरोसा करते हैं? नहीं तो आप पुलिस वालों पे भी, आप पुलिस वालों पे भी, अधिकारियों पर, मैं ये कह रहा हूँ आप किसी पर यकीन नहीं करेंगे जब तक फैसला आप लोगों के पक्ष में नहीं आता, जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते, जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप नहीं मानेंगे। फैसला आपके हक में हो, जांच आपके हक में हो, रिजल्ट आपके हक में आए तो आपको अच्छा लगेगा, आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, वरना असंतुष्टि का भाव बरकरार रहेगा। दबाव में काम करते हैं पुलिस वाले, पैसे लेते पकड़े जाते हैं पुलिस वाले, नहीं देखा आपने? अच्छा। दबाव में काम नहीं करते पुलिस वाले? अच्छा, किसके दबाव में काम करते हैं? अच्छा, एक मिनट सुनिए, आपने कहा 99% मुसलमान देशभक्त है, ऐसे ही मैं कहता हूं 99% से ज्यादा पुलिस वाले बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, तो आप पूरे पुलिस वालों के साथ में ऐसा करेंगे? वो भी देशभक्त है। आप पूरे पुलिस वालों के बारे में ऐसा कहेंगे? पूरे पुलिस, अरे आपने अभी कहा कि पुलिस वाले कैसे करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, आप पूरे पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं? आपने नहीं देखा, आप ही ने देखा? अरे मैंने क्या देखा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो ये भी देखा है क्या हुआ है वहां पर, तो आप मान नहीं रहे हैं। आप अपने हिसाब से, आपने पुलिस वालों को कह दिया कि पुलिस वाले करप्ट हैं, आप पुलिस वालों को करप्ट कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग नहीं, बहुत से ठीक है और चंद ईमानदार भी है उसमें कहें, लेकिन आप बताइए यही उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित बेटी को जलाया जाता है और एक पुलिस वाला हुआ निकलता है, ये देखिए दलित बच्ची के साथ जब जिहादी जब जलाते हैं तो आपके 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 होठ छिल जाते हैं, जब जिहाद नहीं हुआ करते हैं दलित बेटियों का तो उसके बाद आपके होठ छिल जाते हैं। मुद्दे की बात, जब जिहादी हत्या करते हैं उनको सीमा पर लटका देते हैं। दानिश जी इतनी सारी बातें हो गई, सुनिए, इतनी सारी बातें हो गई, इतनी लंबी देर, इतने वक्त तक हमने बात करी, लेकिन एक बार भी सैयद जव्वाद भाई या फिर आपकी तरफ से आज एक पावन मौके के दिन आपकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है वहां पर अगर कोई गौवंश फेंका गया तो ये बहुत गलत है, ये आप लोगों की गलत है। आरोपों में कुछ सत्य नहीं है। वहां का माहौल क्या हो गया है, वहां का माहौल क्या क्या, आप कह रहे हैं आरोपों में सत्य नहीं है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस पर भरोसा नहीं है।
अरे सुनिए तो बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत का फैसला आएगा और उसकी बराबर तफ्तीश होनी चाहिए, वहाँ पर फैसला आ जाएगा और चीजें आपके सामने रिवील हो जाएगी। यही पुलिस, यही पुलिस सबूत पेश करेगी, सुनिए ना, यही पुलिस सबूत पेश करती है। मुझे ये सारे सबूत जो पुलिस वाले जो वहाँ पर दे रहे हैं, वो पुलिस वालों पे आपको भरोसा नहीं है? पुलिस वालों पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है? विनोद बंसल जी कैसे भरोसा होगा? विनोद बंसल जी कैसे भरोसा होगा बता दीजिए, फाइनली बता दीजिए, कैसे भरोसा होगा? किस पे भरोसा होगा? किस पे भरोसा होगा? कब भरोसा होगा? हिमांशु जी, जब 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 ये कत्लेआम मचाएंगे तब भरोसा होगा। इन्होंने कहा कि हमें तो स्लॉटरहाउस चाहिए, हमें तो मारने वाली जगह चाहिए, हम काट काट के मार मार करके उनको रख सकें। देखिए जो चल रहे हैं उनका मांस खा सकें। नहीं, इनको तो, इनकी तो मानसिकता वो है ना जी, आप देखिए कि आज बकरीद के दिन की जो है ना, इनकी हिंसक मानसिकता से बात नहीं आई। आप डिबेट का टॉपिक कुछ और था, अब बात ये हिंसक की बात की बात कर रहे हैं। ये बात बात जो है त्योहार की हो रही है और त्योहार का ये हिंसा की बात कर रहे हैं। इनको चाहिए तो सिर्फ स्लॉटरहाउस, इनको पूरे भारत को स्लॉटरहाउस बनाना है। हिंदुओं का कत्लेआम करने वालों के साथ खड़े होते हैं ये लोग, हिंदुओं की हत्या करने वालों के साथ खड़े होते हैं, हिंदू मान्यता हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू हिंदू आस्था के केंद्रों को अपमानित करने वालों के साथ खड़े होते हैं ये लोग। से क्या अपेक्षा करते हैं मानसू जी? आपके ये जो प्रश्न है वो वैसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। ये ऐसे ऐसे के सामने आप देखेंगे, आज त्योहार अनुमान करने का हमें मौका दिया जाए, खाने का मौका दिया जाए आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में मैं देखिए सिंपल सी बात, मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि एक एक रिजल्ट पर हम लोग आए कि सिर्फ एक तरफा बात ना करके हम सभी की बात करें। क्या ये संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये अजहरुद्दीन ओवैसी की राजनीति में कह रहा हूं मैं, ये बदलाव आ सकता है कि नहीं आता है? कि सिर्फ एक चीज देखना, एक शब्द बोलना, दूसरे के बारे में कोई बात ना करना, क्या ये आ सकता है बदलाव कि नहीं? मुसलमानों को भड़काना है। ओवैसी साहब का सवाल है, आप ही से पूछूंगा इसीलिए, और इसीलिए आज बहुत आपको वक्त दे रहा हूं मैं। जी जी जी, मैं आपको जवाब देखिए, मुझे लगता है जब आप इंसाफ करेंगे ना, मैं चाहता हूँ कि मुद्दे का कोई निष्कर्ष निकले कि एक तरफा बात जो करते हैं, क्या दो दो पहलुओं की बात करना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? ओवैसी जी, ये बहुत जरूरी है मुद्दा, वरना इस तरह के चुप करते रहेंगे। जब आपका इंसाफ का तकाजा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि किसी को कुछ कहने की और सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मापदंड देखते आप वही है जो आप सुनना चाहते हैं करते आप वही है जो आप करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो सबकी बात सुनते हैं, ऐसा तो नहीं चलता ना कुरेशी। चलिए एक बार फिर से आपको ईद की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।